नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। खिला दिया डिलीवरी बॉय को खाना, प्रेरणा की अनोखी मिसाल, अनाथालय हाथी के बच्चों के लिए, बेटी और पिता का अनोखा संवाद, पुलिसकर्मी की गिलहरी से लड़ाई। रोजा खोलने के लिए एक महिला ने मंगाया ऑनलाइन खाना और खिला दिया डिलीवरी बॉय को। क्यों ऐसा हुआ, आइए देखते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, इस पाक महीने में एक महिला ने जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया। इस महिला ने अपना रोजा तोड़ने के लिए खाना ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन होटल में काफी भीड़ होने की वजह से रोजा खोलने के समय तक खाना नहीं पहुंच पाया। ऐसे में इस महिला ने ऑर्डर कैंसिल करने की बजाय भूखे डिलीवरी बॉय को उस खाने के साथ रोजा तोड़ने की विनती की। वीवी नामक इस महिला ने होटल से खाना आने पर देर होने पर खुद खाना बना लिया और रोजा तोड़ दिया। उसके बाद इस डिलीवरी बॉय को फोन किया और उससे जाना कि उसने रोजा रखा है क्या, और फिर उससे कहा कि यही खाना खाकर वो अपना रोजा तोड़ ले। इस तरह रोजा रखने के साथ साथ बीवी ने एक नेक काम भी कर दिया। दोनों पैर गंवाने के बाद वो रेंगते हुए पहुंचा यूके के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर। सुनते हैं पॉल एलिस की कहानी। कहते हैं कि जब दिल में जज्बा होता है तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही मिसाल बनकर लोगों के सामने आए 57 वर्ष के पॉल एलिस। पॉल ने अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी यूके के सबसे बड़े पहाड़ की चढ़ाई कर ली, वो भी रेंग कर। पॉल ने अपने साथियों के साथ मिलकर यूके के बेन नेविस पर्वत पर चढ़ाई कर ली। ये पर्वत यूके के सबसे ऊंचे पर्वतों में शुमार है। इसकी ऊंचाई 4413 फीट है। पॉल ने सिर्फ 12 घंटे का समय लिया और इस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। इस चढ़ाई के लिए पॉल ने रेंगते हुए जाने का फैसला कर लिया था। दोनों पैर गंवाने के बाद भी पॉल ने ये कारनामा कर दिखाया। चेशायर के विडेंस में रहने वाले दो बच्चों के पिता पॉल एम कैंप नामक एक चैरिटी के लिए इस चढ़ाई से 5 लाख रुपए जमा कर पाए। पॉल का अभी भी रुकने का इरादा नहीं है, वो आगे कई और चढ़ाइयां करने की फिराक में है ताकि आगे और भी लोगों की मदद कर सके। यहाँ बच्चों को पैदा करके भाग जाती हैं हथनियां। हाथी के कई बच्चे अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। माँ की ममता के कई किस्से हमने सुने हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। अपने बच्चे की परवरिश के लिए वो बड़ी से बड़ी बाधा भी पार कर जाती है। लेकिन बीते कुछ सालों से अफ्रीका में जो केसेस सामने आ रहे हैं उसने सबको हैरानी में डाल दिया है। अफ्रीका के जंगल में हाथी के कई ऐसे बच्चे मिले जो अकेले घूमते पाए गए। पहले लगा कि ये बच्चे अपने झुंड से बिछड़ गए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि इन बच्चों को असल में इनके माता पिता अकेले छोड़कर भाग गए हैं। इस वजह से जंगल में कई बच्चे अकेले ही घूमते दिखाई दिए। मासूम बच्चे जो जंगल में खुद को एडजस्ट भी नहीं करना जानते थे, उनके लिए आखिरकार एक अनाथ आश्रम खोलना पड़ा, जहां आज कई बच्चे पल रहे हैं। केन्या के नैरोबी में बने इस अनाथ आश्रम में करीब 13 बच्चे पल रहे हैं। इन्हें अकेले भूखे प्यासे जंगल से पकड़ा गया था। इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, क्लाइमेट में बदलाव। इसी कारण अब झुंड के पास खुद के लिए ही पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा। ऐसे में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी कैसे उठाएं? इसी वजह से हथनियां अपने बच्चों को पैदा कर उन्हें अकेले ही मरने के लिए जंगल में छोड़ दे रही हैं। ये बात अलग है कि इंसानों ने अब इनकी जिम्मेदारी ले ली है। एक पिता को टैक्सी ड्राइवर होने पर आती थी शर्म, इसलिए उसने अपनी बेटी से माफी मांगी। इस पर बेटी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। माता पिता बच्चों के लिए कितने ही त्याग करते हैं। माँ की ममता के बारे में कई बार बात होती है, लेकिन पिता के त्याग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसे पिता का मैसेज वायरल हो रहा है जिसने अपनी बेटी से माफी मांगी। इस वीडियो में बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उससे माफी मांगी। माफी इसलिए कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। पिता ने बेटी से कहा कि वो उसे माफ कर दे। वो दूसरों की तरह डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है। अगर बेटी चाहे तो किसी से अपने पिता का जिक्र ना भी करे तो चलेगा। इस मैसेज का बेटी ने जो जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया। बेटी ने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मेरे पिता हैं। लड़के ने अपने पिता को दुनिया का बेस्ट पिता बताया और लिखा,
कि जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे शर्मिंदा होते हैं तो वो गलत हैं। बच्चे उनसे काफी प्यार करते हैं। एक गिलहरी से जंग जीतने के बाद पुलिसकर्मी को मिला वीरता पुरस्कार, क्यों आइए देखते हैं। किसी भी सैनिक या पुलिस जवान की जिंदगी में वीरता पुरस्कार के क्या मायने होते हैं, ये ऐसी सेवा से जुड़े लोग ही बता सकते हैं। अपनी जान पर खेल जाते हैं जवान, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं सैनिक, तब जाकर मिलती है उन्हें बहादुर सिपाही की पहचान। लेकिन अमेरिका में एक पुलिसकर्मी ऐसा है जिसे ब्रेवरी एंड डेडिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो उसके साथ ही हंस पड़े। उसे वीरता पुरस्कार मिला एक गिलहरी से जंग जीतने के बदले। डेविड बिटले को उनकी बहादुरी के लिए एक बहुत ही विशेष सम्मान दिया गया जब वो एक गिलहरी के साथ एक मुठभेड़ में जिंदा बच निकले। एक कार्रवाई के दौरान डेविड एक बुजुर्ग महिला की कॉल का जवाब दे रहे थे, उसी दौरान गिलहरियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से बच निकलने में कामयाब रहे डेविड को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ यहीं पर रुकते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।